एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो दीदी और बहनें रहते हैं। उनमें दीदी चंद्रिका काली थी और उसके सर पर बाल भी नहीं रहते, पर बहन हरिता बहुत गोरी और सुंदर थी। इसीलिए उनकी सौतेली माँ पद्मा को चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, हर समय उसे डांटती थी। घर का काम उसी से करा के उसे बिना तनख्वाह के काम वाली बना देती है। सुंदर और गोरी रही दूसरी सौतेली बेटी हरिता पद्मा को बहुत पसंद थी। एक दिन थकान महसूस होने पर चंद्रिका थोड़ी देर सोफे के ऊपर बैठ जाती है। इतने में सौतेली माँ पद्मा आकर ऐसे कहने लगी, क्या रे महारानी, घर का पूरा काम छोड़कर आराम से बैठ गई? उठ रे, जाके काम पूरा कर, बैठने से कौन करेगा रे? ऐसे डांटती है। तब चंद्रिका ने, मुझे बॉडी पेन्स हो रहे हैं मौसी, काम करने के लिए हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैं पूरे काम खत्म कर दूंगी मौसी, ऐसे चंद्रिका कहती है। वो बात सुन के पद्मा गुस्से से उसकी सौतेली बेटी चंद्रिका से, क्या रे, दिन में 3 बार खाने के लिए कुछ नहीं होता, पर घर का काम करने के लिए दर्द होने लगे? तेरे नाटक बंद कर और जाके काम कर। मैं पास गली को काम से जा रही हूँ, मैं वापस आने तक सारे काम कर, ऐसे जोर से कह के चली जाती है। तब जल रहे बदन और बॉडी पेन्स होने पर भी हिम्मत जोड़ के चंद्रिका सारे काम करती है। इतने में बहन हरिता बाहर से आकर नर्वस हो रही उसकी दीदी को देखकर, दीदी तुझे कल रात से तबीयत ठीक नहीं है, तू इसके बारे में उस डायन से नहीं बोली क्या? ठहर, मैं जाके बात करूंगी। ऐसे उनकी सौतेली माँ से पूछने जाते समय चंद्रिका बहन को रोककर ऐसे कहने लगी, बहन नहीं नहीं, इसमें मौसी की गलती नहीं है, मौसी घर पर नहीं है, ये मेरा काम ही है ना, इसीलिए मैं कर रही हूँ। ऐसे कह के गुस्से से जा रही बहन को झूठ बोलकर रोक देती है। इस प्रकार उनकी सौतेली माँ दोनों को भले ही फर्क दिखाने पर भी दोनों बहनों को एक दूसरे पर प्यार था। ऐसे दिन बीतते गए। गोरी बेटी हरिता को प्यार से देखकर और काली और गंजी रही चंद्रिका को काम वाली से भी नीचे समझती थी। एक दिन सौतेली माँ बाहर जाने के बाद हरिता आकर चंद्रिका से, दीदी तू हर समय घर में ही रहती हो, मौसी तुझे बाहर जाने नहीं देती, अभी वो डायन घर पर नहीं है, थोड़ी देर बाहर जाएंगे दीदी, तुझे घर में रह के बोर हो रही होगी ना? ऐसे बहन प्यार से पूछने पर चंद्रिका मना नहीं कर पाई। उसके बाद दोनों बहनें एक पार्क को जाते समय रास्ते में एक कुत्ते के पैर को चोट लग के चल नहीं पाती। उसे देखकर चंद्रिका को तरस आकर, बहन देखो बेचारा कुत्ता, उसे चोट लगा है, चलने में मुश्किल हो रहा होगा। हाँ दीदी, पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स है ना, ऐसे ही होते हैं। तब चंद्रिका ने, ऐसे मत बोल बहन, रुक उसे थोड़ा दवा रख के इलाज करूंगी। ऐसे कह के पास रहे पत्तों से रस निकालकर कुत्ते के पैर को बैंडेज बांधकर उसको इलाज करती है। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता धीरे धीरे चलने लगा। कुत्ता दूर जाकर आते समय उसके मुंह से एक माया आईना लेके आती है, उसको इलाज किए चंद्रिका को देती है। तब वो माया आईने में देखने से काली और गंजी रही चंद्रिका गोरी और लंबे काले बालों से बहुत सुंदर बन जाती है। ये सब देखकर हरिता ने, दीदी ये सपना है या सच? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये माया आईने में देखने पर तू गोरी और सुंदर बदल गई? हाँ बहन, ये सब इस कुत्ते के वजह से ही है। ऐसे खुश होकर उस कुत्ते को कृतज्ञताएं कहने के लिए देखने पर वो कुत्ता वहाँ दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो माया आईना लेके दोनों बहनें घर जाकर उसकी सौतेली माँ को पूरा विषय बता के बहुत खुश होते हैं। आधी रात को सौतेली माँ उसके कमरे में बैठकर, वो माया आईने में मैं भी देखने से और सुंदर बन जाऊंगी ना, ऐसे सोचकर छुपके से बहनों के कमरे से माया आईना लाकर उसमें देखती है।
तब तुरंत वो काले रंग में बदल कर उसके बाल पूरे गायब हो जाते हैं। तब उसकी बदसूरत चेहरे को देखकर सौतेली माँ जोर जोर से रोने लगी। एक गांव में दो सौतेली बहनें रहते हैं। उनका पिता एक ही है, पर माएं अलग अलग होने पर बहन हरिता को दीदी चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर एक विषय में दीदी से मुकाबला करके उसका अपमान करती थी, पर इतना अपमान करने पर भी उसकी सौतेली बहन को सगी बहन की तरह देख रही चंद्रिका ये सब मासूमियत से कर रही करके सोचती है। इसीलिए उसकी बहन को वो खुद देखभाल करके बहुत प्यार से देखती थी। एक दिन चंद्रिका ऑफिस को जाते समय उसकी दोस्त से बात कर रही हरिता से ऐसे कहने लगी, हरिता टिफिन के साथ दोपहर के लिए लंच भी रेडी करके रख दी, तुझे भूख लगने से ओवन में रख के गरम कर ले, मौसम बहुत ठंडा है ना, खाना गरम करके खा लो, ऐसे कह के चली जाती है। पर हरिता चंद्रिका की बात बिल्कुल नहीं सुनती और दोस्त से बातें करती रहती है। चंद्रिका जाने के बाद हरिता की दोस्त ऐसे कहने लगी, तू बहुत लक्की है रे, वो तेरी सगी दीदी ना होने पर भी तुझे बहुत प्यार से देख रही है, पर तू कभी भी उसे कंसीडर में क्यों नहीं लेती, लगता है तू ठीक नहीं कर रही हरिता। ऐसे कहने पर हरिता को गुस्सा आता है, देख तू मेरे घर आई पर तुझे मेरे लाइफ में आने की जरूरत नहीं है, क्या सही है क्या गलत है मुझे मत बोलो। ऐसे कहने पर हरिता की दोस्त वहां से चली जाती है। इस प्रकार उसकी सौतेली दीदी उसके ऊपर दिखाए प्यार को गलतफहमी मानकर अगर कोई चंद्रिका को सपोर्ट करके बात करने पर हरिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये चंद्रिका एक्टिंग करके सबको वही सही होने का इम्प्रेशन दिला रही है, उसका नाटक किसी को भी पता नहीं है, उसको मेरे बारे में बता के सही सबक सिखाना है। ऐसे बेकार से उसकी सौतेली दीदी के ऊपर नफरत की भावना बढ़ा लेती है। इसीलिए चंद्रिका को हिंसा करने के लिए मौके का इंतजार करते समय एक दिन चंद्रिका को ऑफिस में बहुत देर हो जाती है, उसे घर को निकलने में बहुत टाइम हो जाती है। उसके बाद तब सर्दी के मौसम में बर्फ गिरने पर बहुत संभाल के कार ड्राइव करके घर आके डोर बेल प्रेस करने लगी। घर में रही हरिता अनसुनी से चिमनी में आग के पास स्वेटर पहन के मंकी कैप रख के बैठी रहती है। बाहर ठंड में खड़े रहे बेल मार रही चंद्रिका ने, ये क्या हरिता इतनी जल्दी सो गई, बेल मारने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही, हरिता हरिता दरवाजा खोलो बहन, ऐसे कह के दरवाजा मारती है। तब अंदर रही हरिता बहुत गुस्से से दरवाजा खोल के बाहर आकर, क्यों ऐसे जोर जोर से दरवाजा मार रही हो, ये कोई लॉर्ड समझ रखी है क्या, जब जी में आए तब आती हो, बेल मारी और दरवाजा खोलने तक वेट करना है ना। वो बात नहीं है बहन, बाहर ठंड बहुत पड़ रही है इसीलिए मैं दरवाजा मारी, तू भी अंदर चल तेरा हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसे कह के अंदर जा रही चंद्रिका का हाथ पकड़ के, अंदर कहाँ जा रही है रे, मेरा मूड पूरा डिस्टर्ब कर दी, तू अंदर मत आ, आज रात को तुझे इस ठंड में ही रहना है। ऐसे कह के चंद्रिका को खींच कर ले जाके उसके कार बोनेट के ऊपर सुला के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर ऐसे कहने लगी, आज पता चलेगा रे, अगर तुझे मेरे ऊपर सच्चा प्यार है तो आज तू इस ठंड में रह के कल सुबह जिंदा दिखाई देना है, नहीं तो तू इस ठंड में तड़प तड़प कर मर जा। ऐसे कह के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके आग के पास जाकर बैठती है। लेकिन बाहर चंद्रिका बर्फ में ठंड से कांप रही थी। एक घंटा बाद जब हरिता नींद में रहती है तब चंद्रिका दरवाजा तोड़कर अंदर आके हरिता को उठा के, बहन सोच के मैं तुझे छोड़ दी पर तू मुझे हिंसा कर रही हो, ऐसे कह के हरिता को बाहर ले जाकर कार को बांध के अंदर आ जाती है। बस सोई रही हरिता नींद से उठकर, हाँ ये क्या ये सब सपना है, ऐसे घबरा कर उठ के जाके उसकी सौतेली दीदी को देखकर, दीदी के नाते अगर वो मेरा मुंह बंद कर देती तो मुझे इतना गुस्सा होने का मौका नहीं मिलता, बेचारी लगता है वो सच में मुझे प्यार करती है,
मेरे सपने जैसे अगर वो सच में ऐसे करती तो बाप रे। ऐसे सोच के ठंड में कांप रही चंद्रिका को अंदर लाके, मुझे माफ करो दीदी, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत सताया है, मैं तेरे प्यार को नहीं जान पाई। बहन तू बहुत छोटी है रे, तू अनजाने से मुझे कुछ कहने से भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐसे बड़े दिल से उसकी सौतेली बहन को माफ कर देती है।